मिट्टी रंग है, मोटा है, बहुत दोस्तों ये हाँ जी नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों। अभी हम टीवीएस एजेंसी पर आए हैं रेस्क्यू करने के लिए। ये रसल भाई पर है, इंडियन वन मॉस्टर वन मॉस्टर जो सुनेगी ये वर्ल्ड का जो कम्युनिटी ब्रांड भी कैसे कि पूरे भारत से इसका सबसे गिरी का साथ है। और आप देख सकते हो ये शोरूम है टीवीएस एजेंसी। अरे अरे क्लोज क्या है दोस्तों। आप मेरी ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम लोड पर देख रहे हो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। थोड़ा स्कूटी पीछे करें। भाई बैग ले लो बैग। नीरज टेक फड़ ले। अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। टायर कर रहे साइड कर टायर भाई कर गया वाइड हैं बचाए कर गया
वाइट कर गया अंदर फड़े यार फड़। थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले हमने एक बेबी रसलाइपर स्नेक रेस्क्यू किया था जिसके अंदर मुझे बाइट भी हुई है। तो सो मेरी आप जो वीडियो देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम लोट पर देख रहे हो, और ये रसलाइपर सांप अब जैसे मैं देखो अभी मेरे बाइट हुई है यहाँ पे 2 घंटे पहले। ये देखो हाथ पे काफ़ी स्वेलिंग आ चुकी है, और जितने भी मेरे साथ काम करने वाले हैं कि भाई कह रहे भाई एंटी वेनम लगा लो कुछ कर लो, जरूरी भी है। मैं एंटी वेनम इसलिए नहीं लगवा रहा क्योंकि देखो एंटी अगर मुझे पहले कभी स्नेक बाइट या नेक्स्ट टाइम कभी स्नेक बाइट हो कभी दोबारा मुझे फिर हो जाती है तो उसके अंदर मुझे फिर लगवा एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। और जो रसल वाइपर जो स्नेक है मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मैं जब मुझे बाइट हुई सबसे पहले मैं अपने ऑफिस पहुँचा, वहाँ पर जाके जो मेरा आयुर्वेदिक जो मेरा फॉर्मूला है जो मैंने तैयार कर रखा है वो मैंने लिया। अब 2 घंटे से ऊपर हो चले हैं मुझे मतलब कि ये स्नेक को बाइट की हुई है, इसकी स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। ये देखिए दोस्तों, और इस जगह पे कैमरा थोड़ा क्लोज करना, इस जगह पे दोस्तों उसका सिर्फ एक दांत लगा है। देखो ये स्वेलिंग सारी आ रही है, काफ़ी स्वेलिंग आ चुकी है। सो देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम होती है, बट रिस्क तो रिस्क ही है, देखते हैं इसमें अब कैसे कहाँ तक इसका रिस्क कैसे क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं ये बात जो मेरा जो जैसे जो मुझे बाइट हुई इस रसल वाइपर स्नेक की, बाइट होने के 1-2 मिनट बाद जैसे किसी ने मेरी उंगली काट दी होती है ऐसे दर्द होने लगा, और इतनी जलन हो रही है ना हद से ज़्यादा, दर्द इतना भयंकर दर्द हो रहा ना, उठा लिया, इतना भयंकर दर्द हो रहा हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मतलब कि ऐसे लग रहा है किसी ने मेरा कोई अंग काट दिया होता है। और जैसे कहते हैं कि इस जब रसल वाइपर की जब बाइट होती है स्वेलिंग तो आती आती है, और स्वेलिंग इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है जिसके अंदर जो स्किन होती है उसका डैमेज होने का डर होता है, पर ये जो अभी जो स्वेलिंग आ रही है ना इतनी टाइट नहीं है, नर्म है ये, क्या पता उसका सिर्फ एक दांत लगा है। मुझे बाइट तो हुई है, जब बाइट हुई थी तो ब्लीडिंग हो रही थी, तो ऑफिस में आके मैंने जो मेरा जो फार्मूला जो मैंने अपना फार्मूला तैयार कर रखा है वो मैंने लिया, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं ठीक हूँ, इसलिए जो पकड़ा इस सांप को हम छोड़ने आए हैं। अब इस सांप का इस सांप में भी इसका क्या कसूर है कि देखो कि इसको मैं पकड़ने गया, इसको मैं पकड़ रहा उसको, जैसे हम कोई कहीं पे घूम रहे हैं कोई हमारी गर्दन आगे पकड़ ले या कोई हमारे साथ कोई छेड़खानी करे तो हमें भी गुस्सा आता है, इसलिए मैं इस सांप को गलत नहीं कहूँगा किसने मुझे बाइट कर दी ये सांप ऐसा है, क्योंकि गलत हम हैं, क्योंकि उनके लिए जो पहले घर थे खेत कलान थे टिब्बे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि स्नेक ने बाइट कर दी स्नेक मार दो। मैंने ये पहले भी एक जिसमें मैंने कोबरा रेस्क्यू किया था उसके अंदर भी मैंने इस चीज़ का बात का एक्सप्लेन किया कि कई लोगों की धारणा होती है कि अगर कहीं पे सांप निकलता उसको मार दो, मारने से उसकी एक जून कम हो जाएगी वो किसी और जूनी में चला जाएगा, तो सो प्लीज़ दोस्तों ऐसा ये तो हमारी एक सोच होती है कि हम उसको हमने मार दिया वो दूसरी जूनी में चला गया, कुछ भी नहीं है, चाहे वो कीड़ी है चाहे वो कुत्ता है चाहे वो बिल्ली है चाहे सांप चाहे न्योला चाहे गौ चाहे इंसान, जान हर किसी के अंदर जान होती है, दर्द अगर हमें दर्द होता है ना तो दर्द इनको भी होता है, जानवरों को भी दर्द होता है। जैसे देखिए ये खेत है हरे भरे लग रहे हैं जंगल जो फॉरेस्ट एरिया है इस खेत इस हरियाली से अच्छा लगता है, अगर जंगल में जंगली जानवर नहीं रहेंगे तो फिर ये जंगल नहीं रहेंगे, उनको लोग जंगल क्यों बोलेगा, जंगल तो जंगल लोग इसलिए कहते हैं यहाँ पे जंगली जानवर आया है, बाहर जाकर ले आया जंगल तो जंगल में जंगली जानवर होते हैं, उस चक्कर में जंगल को जंगल किया जाता है, हरियाली होती है अलग अलग तरह की स्पीसीज होती है।
ये दोस्तों इसने बाइट किया मेरे, चौथा कितने गया, लो दोस्तों ये दोस्तों रसल वाइपर, इस रसल वाइपर ने मुझे बाइट किया। ये चेकर किल बैक स्नेक है जो ये रात को पकड़ा था ये। चलो इसको तो हम छोड़ रहे हैं। और दोस्तों ये जो चेक बैक स्नेक है, ये तो आपको पता है कि ये नॉर्मल स्नेक होता है। सो पहले मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर दे, मेरी वीडियो देख के अगर आपको लगता है कि हम ऐसे करें वैसे करें तो मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा कि भाई मेरे दोस्तों जो सर्प मित्र हैं जो सांप पकड़ने वाले, सबको मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, कभी आप ऐसा ना करें। क्योंकि ये काम ऐसा है कि अगर आज हम हैं तो जिस काम में हम माहिर हैं, चाहे सांप पकड़ने में, चाहे कोई वाइल्ड लाइफ और किसी चीज़ में माहिर हैं, हम तभी कैमरे के आगे किस चीज़ के आगे आएंगे जब अगर हम हैं। अगर हम हैं तो तभी किस दूसरे काम में आ सकते हैं हम। अगर किसी को देख के हम कॉपी करें कि सोचे वो ऐसे कर रहा है वह मैं ऐसे करूँ, तो कभी एक बार याद रखना कि हम अपने काम को, जो हमारा करने का जो काम होता है, जो एक्सपीरियंस है, हम उसमें ही माहिर रह सकते हैं। पीछे चलते चलो, इन्होंने नहीं छोड़ दे, हम उसी काम को लेके हम उसी काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगर हम कॉपी करके किसी काम को करें तो उसमें हम आज भी मार खा सकते हैं, कल भी मार खा सकते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी होता है वो पूरी एक्सप्लेन डिटेल कभी किसी को बताता नहीं है। मैं इसलिए हर चीज़ आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे जो दोस्त मित्र हैं, मुझे जो मेरे दोस्त भाई बहन जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, पाकिस्तान से एक मेरा भाई है, वो मुझे जब मेरी वीडियो अपडेट होती है वो देखता है, मुझे कॉल करता है। एक शोलापुर से जाकिर नाम के भाई है, शोलापुर से जाकिर नाम के, वो मुझे फॉलो करते हैं। मेरे नासिक से मेरे दोस्त हैं जो मुझे दिल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सब, मैं उनको सभी को यही कहता हूँ कि देखो दोस्तों कुछ भी है, कब जो भी करना अपना करो, कॉपी ना कभी करो, किसी को देख के कॉपी ना करें। जो भी एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल अपना ना, वो सबसे बेस्ट है। किसी को देख के कॉपी करके हम कुछ कर रहे हैं, उसमें आज भी हम मरे कल भी मरे। वो गाड़ियों के पीछे लिखा होता ना कि साड़ ना रीस कर, ऐसे रीस मत कर, तू भी कर, पर मैं ये नहीं कहूँगा। क्योंकि ये काम ऐसा है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, वो मेरे अंदर एक ईगो एटीट्यूड है, कोई भी कर सकता है। ऐसी मैं बात नहीं कहूँगा कि कोई नहीं कर सकता, मेरे से भी दुनिया बहुत से बहुत आगे पड़ी है। मुझे इस लाइन के अंदर कम से कम आज 18-19 साल हो चले हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा प्रैक्टिकल जो भी है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, थोड़ा चाहे कम है, कुछ भी है, मैं फिर भी अपने सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, कि जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो अपना है, किसी को कॉपी ना करें। हम जो हम कर रहे हैं, अगर कोई जानवर निकलता है, जो आपका तरीका है, जो ढंग है, वो सबसे बेस्ट है। उसको किसी स्टिक से उसका मुंह दबा के उसका मुंह पकड़ना, वो सबसे बेस्ट है। मैंने भी करने की कोशिश की, पर 2-3 बार मेरे हाथ से सांप निकल गया, इसलिए मैं नहीं वो करता, क्योंकि मैंने कभी उस तरीके से पकड़ा नहीं है। मेरा तरीका क्या है, किसी बिल के अंदर सांप है, बिल को हमने कहीं से उसको मक्की उखाड़ के, उसको मक्की जो बिल होती है उसको सांप बिल के अंदर से सांप को बाहर निकाला, सांप को पकड़ा। अभी कल मैंने वीडियो अपडेट की, इसके अंदर मैंने लिखा भी था कि ना मैं दांत तोड़ता हूँ, ना मैं जहर निकालता हूँ, बड़ा कोबरा सांप पकड़ा, उस वीडियो का टाइटल ये था। तो वो जो भी मेरी वीडियो होती है, हर वीडियो मेरी लाइव, एक मोबाइल पर मेरा लाइव चलता है, दूसरे मोबाइल के ऊपर लाइव रिकॉर्डिंग होती है। देखो मेरा सांप पकड़ना मेरा काम नहीं है, सांप पकड़ना कोई मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, मैं कोई गवर्नमेंट अप्लाई नहीं हूँ। एक दोस्त ने मुझे बोला था कि सर आप गवर्नमेंट अप्लाई हो, तो उसका रीज़न पूछने का था कि मेरी गाड़ी के ऊपर आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर लिखा है रजिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी जो मैगजीन है क्राइम इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है। और जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं दोबारा फिर यही बात एक बार मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई मेरे दोस्त भाई बहन कोई भी
मुझे देखते हैं, कोई मुझे फॉलो करते हैं, वो कभी मेरा ढंग यूज ना करे। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, ओके, फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरी वीडियो आप देखते हो अगर आपको अच्छी लगती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शेयर करते रहो, अगर आपको उसमें लगता है कुछ, इसके अंदर कुछ अच्छा है, तभी उसको आगे आप शेयर करो। अगर नहीं है छोड़ो, फेंको, साइड पे करो, डिलीट कर दो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप देखो, ज़रूरी नहीं, अगर आपको सही लगता है तो आप देखो, शेयर करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको शेयर करो, अगर आपको मेरी वीडियो लगती अच्छी लगती है, अपने दोस्तों को भी बोलो, हाँ जी इस मित्र का चैनल सब्सक्राइब करो, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, एक बार आप जंगल का व्यू देख सकते हो। चलिए।